जब हम आज से बहुत साल पहले हैव यू सीन कैमरास राइट, तो जब बहुत साल पहले फोटो खींचते थे ना, सो ऐसे फोटो खींची जाती थी और सामने वालों को बोला जाता था स्माइल करो राइट, एंड दैट्स हाउ वी यूज्ड टू क्लिक. सो जो लेंस होता था ना वो हमेशा सामने वाले के ऊपर होता था कि सामने वाला क्या कर रहा है. और आजकल का जो जमाना है ना वो सेल्फी का जमाना है. दैट मीन्स वॉट, द लेंस हैज टू बी ऑन मी, बजाय कि ये कहने के वो टीचर क्या है या वो कैसा है. सबसे पहले तो मेरे इस बात का जवाब दो कि तुम शिष्य हो. आर यू अ गुड स्टूडेंट? आर यू डिसिप्लिन्ड इनफ टू बी कॉल्ड अ स्टूडेंट? If you are not disciplined enough to be called a student, what are you expecting for a faculty to do for you? Believe you me, the faculty would go outboard for you to do anything that you need. We did it for both those girls. And every faculty would do it. But then you have to show something within yourself. That is the most important thing. और गुरु के लिए तो ये कहावत है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आप की जिन गोविंद दियो मिलाए. वॉट इज यू नो कबीर जी ट्राइंग टू से विद दिस, दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई लुक एट माय गुरु एंड आई लुक एट माय गोविंद. गोविंद एज इन लॉर्ड राइट. सो माय गुरु इज हियर, माय लॉर्ड इज हियर. गुरु गोविंद दोहू खड़े काको लागे पाए. मैं किसके जाके पैर छू, यू नो वेयर शुड आई गो एंड बो फर्स्ट. And then his wisdom says, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए. I am thankful to you, my guru, you know, who has shown me the path, you know, to have my mentor. Right? Now, when we talk about this as you as individuals, you know, guru is a and गोविंद की जब हम बात कर रहे हैं तो जो गोविंद है, जो लॉर्ड है, वो यहाँ पे एक metaphor है. आपके और आपके जो गोविंद है वो एक मेटाफर है. कोई है जो वो मेटाफर आइडेंटिफाई कर सकता है? बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए. किससे मिला सकता है गुरु आपको? भगवान से. भगवान एक मेटाफर है. आपको यहाँ पे भगवान से मिलना है? No, I get that. You know, that is the same. Absolutely. Bang on, lady. So, you know, the guru is a link in between you and your goals. It is only guru who can help you. ऐसा नहीं है कि हम बिना गुरु के वहां तक नहीं पहुंच सकते. जरूर पहुंच सकते हैं, लेकिन वो जो जर्नी है ना वो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी. और पता नहीं शायद वो जर्नी कब खत्म हो. So this is very, very important that you identify yourself as to what do you want to achieve. कितने लोगों को clear है कि वो जिंदगी में चाहते क्या है? What do you want to achieve in your life? और left right देख लो. So देखो जो clear होते हैं ना वो एक ही बारी में हाथ ऊपर दिखा देते हैं. So this is what a guru can do for you. So you have to be very, very clear as to what is the goal that you have for yourself. Now when we talk about goals, what actually happens is, this is my goal. ठीक है? और ये एक periphery होती है. और ये मैं मेरे और मेरे गोल के बीच में एक पेरिफेरी है. इस पेरिफेरी को डिस्ट्रैक्शंस कहते हैं, जो यहां पर आके एंडलेस होने वाली है. एवरी डे यू विल कम अक्रॉस दीज डिस्ट्रैक्शंस हियर. नाउ हाउ बैडली यू वांट योर गोल इज व्हाट विल डिसाइड यू नो योर पाथ. और वो ही डिसिप्लिन लाने की जरूरत है. इट इज गोइंग टू बी एन एवरी डे प्रैक्टिस दैट योर फ्रेंड विल टेल यू लेट्स स्किप दिस क्लास एंड लेट्स गो आउट. राइट? छोड़ना यार, एक दिन की अटेंडेंस से क्या फर्क रहा है, एक दिन के इससे क्या फर्क पड़ रहा है. यू नो फर्क पड़ता है. हर एक दिन, हर एक छोटी चीज से भी फर्क पड़ता है. सो वेयर हाई विल यू गो इन योर लाइफ, योर पेरिफेरी विल डिसाइड. एक बार किसी से ये पूछा गया कि गोल्स को अचीव कैसे करना है. यू नो व्हाट वाज द आंसर? द आंसर वाज दैट एवरी डे
you have to work in the direction of achieving your goals. In the next 2 years, you're going to be loaded with distractions out here. Now, how much momentum you can maintain would actually help you reach to your goal, which is a corporate house. The college can give you any job which is between 4 lakhs to 18 lakhs, right? That is the scope that we have here for all of you. But the thing is, how much do you work upon your distractions, or how much do you discipline yourself? You have to discipline, you know, ये तुम्हारी उम्र है यार, मस्ती करो, घूमो फिरो, ऐश करो, सब कुछ करो, but not at the cost of your career altogether. Be very very clear. अगर आज मैं ये बात सोच लूं कि मैं असाइनमेंट नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, you know, this would turn into a habit. I am going to do and practice the same thing once I get into a corporate house also. If I don't turn up here at 10 o'clock or whatever is the time that I have my class, what is the assurance that tomorrow, you know, I'll show up in the office? I am not used to. I'll find everything difficult. So this is the time for you. These are the 2 years that you have by your side to work upon yourself, to achieve your goals. And जिस दिन से यहाँ आना शुरू हो जाओगे ना, ये अपनी डिस्ट्रैक्शंस को और अपने डिसिप्लिन को याद रख लेना. अगर तो डिस्ट्रैक्शंस हावी हो गई तो भी तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पहुंचोगे, और अगर डिसिप्लिन हावी हो गया तो भी तुम्हें पता है तुम कहाँ पहुंचोगे. देखो माँ बाप ने ना, यू नो यू मस्ट बी लकी लॉट दैट योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड टू स्पेंड, यू नो, easily or by difficulty. You are the lucky ones who are sitting here today, and it is their hard-earned money that is going into it. Abhi tak to, you know, mazak chal raha tha. School mein aa gaye, 70% chal gaya. Koi nahi, abhi 3 saal college ke pade hain, tab kuch kar lenge. Agar ab prove nahi kiya na apne aap ko, this is the last opportunity that you have by your side, these 2 years. If you don't prove yourself at this point in time, believe you me, ghar wale bhi bhigo bhigo ke marenge. So get into a kind of a discipline for yourself. But hota kya hai, jab bhi hum apni life ko discipline mein lane ki koshish karte hain ya hum apne goals ko achieve karne ki koshish karte hain, we somewhere, you know, गेट लॉस्ट इन बिटवीन. ऐसा होता है कि जैसे मैं वेट लूज करने के लिए, यू नो, आई मेड अ गोल. सो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो चलता है, प्रोबेबली अ मंथ गोज ऑन एंड देन इट गोज इन टू अ क्रैश काइंड ऑफ अ थिंग हैपेंस. और एनी अदर गोल दैट यू मेक, यू कम अक्रॉस द प्रॉब्लम दैट यू नो यू नॉट एबल टू अकम्पलिश योर गोल्स. सो वंस यू नॉट एबल टू अकम्पलिश योर गोल्स, देन वॉट हैपन्स? कहीं कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता, कहीं कोई वजन कम नहीं हो रहा होता, कहीं कुछ अकम्पलिश नहीं हो रहा होता, और कहीं ना कहीं, यू नो, वी स्टार्ट टू गेट डिसअपॉइंटेड कि यार कुछ हो तो रहा नहीं है, एंड देन यू नो वी ड्रॉप इट. सो दिस इज, यू नो, द गैप बिटवीन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज द वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू ओवरकम हियर इज टू, यू नो, टू ओवरकम दिस वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. अगर इफ आई टेक अ क्यूब ऑफ आइस, राइट, एंड आई टेक इट इन टू अ रूम वेर इन द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 18 डिग्रीज,
right? Probably the possibility is that the ice will not melt at 18 degrees. The ice may not melt at 19, 20, 21, not even at 22 degrees, not even at 23 degrees. And all of a sudden at about 24 degrees, the ice would start to melt, right? So what does it mean? You know, has the ice started to melt at 24 degrees only? No, ma'am. No, the ice was getting prepared with every degree falling to get melted. So, बहुत बारी, you know, कल से परसों से 8 तारीख से when you start to work towards your goal, this is exactly what is going to happen. Lot of time you will not be able to see results, but don't get disheartened because results will take its own time to show up. और जब वो result show up होते हैं ना, then people call it overnight success. Well, there is nothing like overnight success. You have to continuously work towards it. And there's a beautiful theory that has come up in the book called Atomic Habits, which says if you work 1% every day better to be on your path, you know, sirf 8% agar hum roz better hona shuru ho jaye, so probably in 1 year we'll go up to about 37%. Aur agar hum 1% se worse hona shuru kar de, you might probably come back to zero. So saying this के फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है. अब नहीं कहना कि फर्क नहीं पड़ता. Every distraction that you get into is going to get counted. Every little success that you go through, whether you are able to look at it or you're not able to look at it, that's a very different story. But then this is where, you know, your growth will start. In 1 year's time, you're going to be 37% better than who you are today. Aur 2 saalon mein socho kahan pahunchoge. So you have to keep working. Abhi mat socho results aa rahe hain ki nahi aa rahe, because results are going to show up. You have good time. But what actually happens is when we think that, you know, we have lot of time, we think over and we sleep over our dreams. That should not be the case. If you are going to work in the corporates tomorrow, you have to be ready for this kind of a thing and this kind of a mindset. Start working on yourself each day. And that is how, you know, the success will follow. Just be better. Just be better by 1% as to what you were yesterday and what you are today. That is all that needs to be done. But problem to ye hai na, ke ye dono baatein jo bhi kahi gayi hain abhi, attitude change karne ki aur discipline mein aane ki, ye dono ki dono cheezein, you know, ask us to go and do something very big, isn't it? Change the way we are, right? Change the lifestyle we are living into. मैं बहुत बिंज वॉचिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे सुबह 10 बजे कॉलेज जाना है, सो देन यू नो आई हैव टू बी देयर ऑन टाइम, हैव टू स्लीप ऑन टाइम. सो देर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट नीड्स टू कम. और चेंज के लिए तो एक बात कही जाती है दैट यू नो इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर एन इंडिविजुअल टू डू इज टू चेंज. चलो.